विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि 3 मार्च को होने वाले चुनाव में जितने भी बूथ बनाए गए हैं, सभी बूथों पर एक एक आशा कार्यकर्ती थर्मल स्कैनर, पल्स मीटर, मास्क सैनिटाइजर के साथ उपस्थित रहेंगी तथा जितने लोग आएंगे उन सभी को प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही उनको मतदान केंद्र के अंदर जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ साथ एडिशनल सीएमओ, क्षेत्रीय एडिशनल सीएमओ को जिला के नोडल अधिकारी बनाया गया है और इस दौरान जनपद के सभी चिकित्सालय खुले रहेंगे, वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी तथा एम्बुलेंस तत्पर रहेगी तथा सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती तो तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए 3 तारीख को जो हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है उसमें लगभग 2200 बूथ बनेंगे। हर बूथ पर हमारी एक आशा, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क सैनिटाइजर के साथ उपस्थित रहेगी। वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उन सबका प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही उनको मतदान में अंदर जाने दिया जाएगा। इसके साथ साथ इन लोगों के पास जो है हमारे पीपी किट भी होंगे, अगर कोई पेशेंट जिसका बुखार ज़्यादा होगा या जिसमें किसी में कोविड के लक्षण होंगे या कोविड पॉजिटिव होगा उसको जो है मतदान के अंतिम घंटे में देने की इजाज़त दी जाएगी और पॉजिटिव मरीज को, प्रणाम मरीज को जो है पीपी किट पहन करके उसे मतदान कराया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमने 2-2 चिकित्सा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है। इसके साथ साथ हमारे एडिशनल सीएमओ, क्षेत्रीय एडिशनल सीएमओ को भी हमने नोडल अधिकारी बनाया है, वो करेंगे। और इस दौरान हमारे समस्त चिकित्सालय खुले रहेंगे, वहाँ पर समस्त आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी, एम्बुलेंस रहेंगी और प्रभारी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं पर भी एम्बुलेंस, व्हील चेयर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है वो तत्काल उपलब्ध कराएंगे। बाकी जो समय समय पर जिला प्रशासन से जो संदेश प्राप्त होंगे उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। टीकाकरण का भी बूथ बनाया जाएगा? टीकाकरण बूथ वहाँ नहीं होगा, वहाँ पर केवल मतदान, लोकतंत्र का महापर्व है, वहाँ पर किसी का ध्यान भटकाने के लिए हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर उस दिन मतदान ही मतदान होगा।